ਕੀਰਤ ਗੁਰਗੰਦ ਸਾ ਤਨਾਸਰੀ ਮੈਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀ ਕਾ ਨਿਸਤਾਨਾ ਸਮੁੰਦੋ ਸਾਗਰੋ ਜਿਨਿ ਖਿਨੀ ਮਈ ਤਾਰਾ ਕੋਈ ਉਹਵਾ ਕ੍ਰਮ ਰਤੁ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਾਇਆ ਦਸੋ ਹਰੀ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤੇ ਆਇਆ ਬੰਧਨ ਕਟਨ ਹਰੂ ਸਾਮੀ ਜਨਨਨ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਅੰਤਜਾਮੇ जिसने शरणागत को एक क्षण से जिसने शरणागत को एक क्षण में संसार समुद्र से पार कर दिया उस गुरु के चरणों का स्मरण आत्मा के लिए संसार समुद्र से पार होने के निमित्त उत्तम साधन है कोई मनुष्य धार्मिक रस्मों का प्रेमी बन जाता है कोई तीर्थों पर स्नान करता फिरता है परमात्मा हरि के सेवकों ने परमात्मा हरि का नाम ही स्मरण किया दासो हरि का नाम उत्याया, कोई होया रतो कोई तीर्थ नाया भाई जी नानक परमात्मा हरि का नाम स्मरण करते हैं जो अंतर्यामी है सबका मालिक है और माया के बंधन काटने की सामर्थ रखता है बंधन काटन हारो स्वामी जन नानको सिमरे अंतर तनाश्री मेला पंजवा। पित्य प्रकारी न तत्व प्रीति दास तेरे की निर्मल रीति हे प्रभु जी तुम्हारे दासों का आचरण इसलिए पवित्र रहता है ताकि किसी प्रकार भी तुमसे उनकी प्रीति विच्छिन्न ना हो जाए जीव प्राण मन तन से प्यारा औ बंदो हरिदेव नारा परमात्मा हरि के दर्शन को अपनी आत्मा अपने प्राण और तन मन धन से भी वह परमात्मा हरि अधिक प्यारा लगता जी प्राण मन धन से ते प्यारा जी प्राण मन तन ते प्यारा ओम बंदो हरि देव जो अहम बांधने का मार्ग अवरुद्ध करने के सामर्थ्य रखता है वह परमात्मा हरि अधिक प्यारा लगता है चरण कमल सो लागू नहीं हूं नानक की बेनती ये हूं गुरु नानक जी की सदा यही प्रार्थना है कि परमात्मा हरि के सुंदर चरणों के साथ उनका प्रेम बना रहे चरण कमल सो लागू नहीं नानक की बेनती है ही एक अंकार सतगुर प्रसादी तनाश्री मैला नवा बन बन, खोजन जाई सरब निवासी सदा अलेपा तो समाई पोह अहमदी ज्यों बासु बस तू है मुकर माही जैसे छाई तैसे ही हरि बसे निरंतरी कट ही खो पाई हे भाई जी परमात्मा को पाने के लिए तो जंगलों में क्यों जाता है काहेरे बने खोजन जाए परमात्मा सब में विद्यमान है लेकिन सदा माया से निर्लिप्त रहता है परमात्मा तुम्हारे साथ ही रहता है सर्व निवासी सदा अलिपा तो ही संगी समाई हे भाई जी जैसे पुष्प में सुगंधि शीशे में प्रतिबिंब रहता है उसी प्रकार परमात्मा हरि निरंतर सबके भीतर अवस्थित रहता है इसलिए उसे अपने हृदय में ही खोजो तैसे ही हरि बसे निरंतरी कटके खोजू पाई बारी पितरी एक को जानो इह गुरु ज्ञानो बताई जन नानक बिनु आपा चीने मिटे न की काई इसलिए गुरु का उपदेश यह बतलाता है कि अपने भीतर और बाहर एक परमात्मा हरि को अवस्थित समझो हे नानक जी अपना आत्मिक जीवन परखे बिना दुविधा का जाला दूर नहीं हो सकता जन नानक बिनु आपाची ने मिट्ट न परम की काई तनासरी मैला जग परम बुलाना राम नाम का सिमर छोड़िया माया आथि बिकाना हे संतो ये जगत दुविधाग्रस्त होकर के कुमार गामी हुआ रहता प्रभु हरि के नाम का समरण विस्मृत किए रहता है और माया के हाथ में बिका रहता है राम नाम का सिम नू छोड़या माया आती पिताना मात पिता पाई सुप्त बनिता ताके रसी लपटाना जोबनु तनु प्रभता के मद में अहिनेसी रहे दीवाना ब्रह्म में फंसा हुआ ये जगत माँ पिता भाई पुत्र स्त्री के मुँह में फंसा रहता है माता पिता पाई सुत वनिता ताके रसी लपटाना यमुन तथा धन की शक्ति के नशे में ये जगत पागल हुआ है जोब्नो तनु प्रवता के मद में अहिन सी रहे दीवाना जो परमात्मा दिनों पर दया करने वाला है जो सारे दुखों का नाश करने वाला है जगत उस परमात्मा में मन नहीं लगाता ਦੀਨੇ ਦੇਹਲ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਤਾਸੋਂ ਮਨੋਂ ਨਾ ਲਗਾਣਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁष्य ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਸਿਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੇ ਕਿਨੋ ਗੁਰਮਖ ਓਈ ਪਛਾਨਾ ਤਨਾਸਰੀ ਮੈਲਾ ਨਵਾ ਤਿਹ ਜੋਗੀ ਕੋ ਜੁਗਤੀ ਨ ਜਾਣੋ लोभ माया ममता फुनी जी कटी माही पछानी उस योगी को जीवन युक्ति में पारंगत नहीं कहा जा सकता जिसमें अब भी लोभ मो माया एवं ममता की झलक निरंतर बनी रहती है तिह जोगी को युक्ति न जानो लोभ मो माया ममता फुनी जी कटी माई पछानु हे भाई जी जिस मनुष्य के हृदय में प्राय निंदा नहीं है प्राय खुशामद नहीं है जो सोने और लोहे को एक समान मानता है जो मनुष्य सुख दुख से में निलुप्त रहता है केवल उसे योगी समझो पर निंदा स्तुति ना जाके कंचन लो समानो अरख सोगते रहे अतीता जोगी ताई पखानो चंचल मनु दिशी को तावत अचल जाही ठहरानो कहू नानक यही विधि को जो नरु मुक्ति तुम जानो नानक जी का कथन है कि सदा भटकता रहने वाला मन दसों दिशाओं में फिर चंचल मनु दिशु चंचल मनु दिशी को धावत जिस मनुष्य ने इसे इस स्थिर करके नियंत्रित कर लिया जो मनुष्य इस प्रकार का है समझ लो कि उसे विकारों से मुक्ति मिल गई कौ नानक ए विधि को जो नर मुक्ति ताई तुम जानो तनाशनी मैला नो अब मैं कौन उपाय करूं जी विधि मन को संसा चुके बहुनिधि पारी करूँ अब मैं कौन सा यत्न करूं जिससे मेरे मन का भय समाप्त हो जाए और मैं संसार समुद्र से पार उतर जाऊं जीव दी मन को संसाचू के पवन दीपारी पर जन्मो पाई कछु पलो न कीनी जन्मो पाई कछु पलो न कीनो ताते अधक मन बज करम हरी गुन नहीं गाए यह जिए सोच तर हे भाई जी मनुष्य जन्म पाकर के मैंने कोई भलाई नहीं की इसलिए मैं बहुत डरता रहता हूं मैं अपने भीतर यही सोचता रहता हूं कि मैंने मन वचन कर्म से परमात्मा हरि के गुण नहीं गाए मन वच क्रम हरि गुण नहीं गाए ये जी सोच तरु गुरमति सुननी कुछ ज्ञान ना उपजे पशु जो उधर पड़े भाई जी गुरु की शिक्षा सुनकर भी यदि किसी को आत्मिक जीवन की कुछ भी सूझ पैदा नहीं होती मैं पशु के तुल्य अपना पेट भर लेता नानक जी का कथन है कि हे प्रभु जी हे जी, मैं विकार युक्त हूँ केवल तभी पार उतर सकता हूं यदि तुम अपना शाश्वत विरद भक्तों के रक्षा रक्षक होने का स्मरण रखो कहु नानक परछानो तब हों पतत तरसरी में मैला पहला करु दो पदिया एक कमकार साधी, गुरु सागरो रत्नी पर पूरे अमृत संत चुगी नहीं दूरे हरि रसु चोग चुगी प्रभ पावे सर्वर में हंस प्रणपति पावे किया बनो बपड़ा छपड़ू नाई कीचड़ी डुबे मैलू न जाए गुरु एक समुद्र है जो रत्नों से लबालब भरा हुआ गुरुमुख शिष्य आत्मिक जीवन देने वाली खुराक का भोग करते हैं और गुरु से दूर नहीं होते हैं। प्रभु की कृपा से संत रूपी हंस हरी नाम रूपी रस का चुग्गा लेते हैं गुरमुख हंस गुरु रूपी सरोवर में जगह प्राप्त करते हैं और प्राणों के मालिक प्रभु हरि को पा लेते हरि रसु चौक चुकी प्रभु पावे सर्वर में अंशु प्राण पति पावे बेचारा बगुला तालाब में किस लिए स्नान करता है क्योंकि नहा करके कीचड़ में ही डूबता उसका मैल दूर नहीं होता जो मनुष्य गुरु रूपी सागर को त्याग करके किसी के तलाब में नहाता है। मैं माया मोह से मुक्त नहीं हो पाता बपुड़ा छपड़ी नाई कीचड़ी डुबे मैल न जाए रखी रखी चरण तरे विचारी दुविधा छोड़ी पे निरंकारी मुक्ति पदार्थो हरि रस चाके आमन जान रहे गुरे गुरु अत्यंत जागरूक होकर के सोच विचार करके अग्रसर होते परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे सारे की खोज छोड़ करके परमात्मा हरि का ही बन जाते हैं परमात्मा हरि के नाम का रस स्वादन करके गुरु सिख व पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं जो माया मोह से मुक्ति दिला देता है, जिसकी गुरु ने सहायता कर दी उसके जन्म मरण के चक्र समाप्त हो मुक्ति पदार्थो हरी रस जाके आमन जान रहे गुरु राखी सर्वर अनसा छोड़ी न जाई प्रेम भक्ति करी सहज समाई सर्वर मही हंसो हंस मही सागरो अकथ कथा गुरु बचनी आदरु सुन मंडल जोगी जैसे नारी न ना पुरखु कहो को कैसे त्रिभुवन ज्योति रहे सुर नरनाथ सच्चे सरनाई जिस प्रकार हंस मान सरेवर को त्याग कर नहीं जाता उसी प्रकार भक्त प्रेम भक्ति से विलग नहीं होता भक्त प्रेम भक्ति के प्रभाव से स्थिर अधिक अवस्था में लीन हो जाता है जो कुर सुख रूपी हंस गुरु रूपी सरोवर में स्थिर रहता है उसके भीतर गुरु सरोवर अपना आप प्रकट कर देता है यह कथा अकथ्य है अर्थात आत्मिक रहस्य का वर्णन नहीं हो सकता गुरु के शब्दों का अनुकरण करके जीव लोक परलोक में आदर पाता है। सर्वर मही हंसो हंस मही सागरु अकथ कथा वचनी आदरु सुन मंडल एक जोगी जैसे नारी न ना परखो कहो कोई कैसे त्रिभुवन ज्योति रह लिवलाई सुर नरनाथ रचे सरनाई वे प्रभु ही वास्तव में योगी है जो शून्य अवस्था में समाधि लगा करके पुरुष वाले भेद से इतर रहता है। उसके संबंध में कोई ऐसा संकल्प कर भी कैसे सकता है क्योंकि तीनों लोग उसी की ज्योति में ध्यान लगाए रहते हैं और देवता मनुष्य नाथ आदि समस्त उसी सत्य स्वरूप प्रभु हरि की शरण लेकर के जीते त्रिभुवन ज्योति रहे लिबिलाई सुनर नाथ सच्चे सरनाई अनदूलु अनाथ अगारी गुरमुख भक्ति सहज विचारी भक्ति वच्छल पैकाटन हारे अमे मारी मिले पग जो आत्मिक अनंत का स्तोत्र है जो आश्रितों का आश्रय है गुरुमुख उसकी भक्ति के द्वारा और गुणों के चिंतन द्वारा स्थिर आत्मिक अवस्था में दृढ़ हैं। वह प्रभु भक्तों से प्रेम करता है वह सेवकों के समस्त भय दूर करने में समर्थ है गुरमुख अहमत्व तो मार करके और सत्संगति में रह करके उस आनंद मूल प्रभु हरि के चरणों में जगा पाते पक्त वैकाट न हे हमें मारी मिले पकुतारे अनेक जतन करी कालो सताए लिखाई मंडल में आए जन्म पदार्थो द्विधा खोवे आपो ना झिसी परम प्रमी रोवी जो मनुष्य आत्मिक जीवन के महत्व को नहीं पहचानता वह अहमत में भटक भटक करके दुखी होता है परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे सारे की खोज में वह अमूल्य मनुष्य जन्म को गवा देता है अनेक दूसरे यत्नों से प्राप्त की हुई विकारी मृत्यु उसे दुखी करती है अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण आत्मिक तो मृत्यु का लेख लिखा करके लाया और यहां पर भी उसका ही व्यापार करता रहा आपूणा चिंसी प्रमे प्रमे रोवे जन्म पदार्थो दुविदाखो भी कह तो पढ़ तो सुनत एक तीरज तरमो तरनी थर टेक जब तो सत्यो संजम समाए चौथे पद को जे मनोपति आए जो मनुष्य उसी एक परमात्मा का गुणगान करता है पढ़ता है सुनता है और समुची सृष्टि के सहारे प्रभु हरि का आश्रय लेता है वह तो गंभीर स्वभाव ग्रहण करता है और मनुष्य के कर्तव्य आदि को समझता है। यदि मनुष्य अपने मन कि उस आत्मिक अवस्था का वासी बना ले वह माया के तीनों गुण पर भाव नहीं कर सकते तो सताही ही जितेंद्रता संयम और उसके हृदय में लीन रहते जत्तो सत्तो संयमों हृदय समाये चौथे पद जे मनुपथी आए साचे निर्मल मैलू न लागे गुरु के शब्दी पागे, सुक्ति मूर्ति आदि नान को जाचे साचे स्वरूप। सत्य स्वरूप प्रभु में टिक करके पित्र हुए मनुष्य के मन को विकारों का मैल नहीं लगता गुरु के शब्द के प्रभाव से उसकी दुविधा दूर हो जाती है और उसका भय समाप्त हो जाता है नानक जी उस सत्य स्वरूप प्रभु के द्वार से हरि नाम की याचना करते हैं जिसके तुल्य दूसरा कोई अमूल्य पदार्थ नहीं है और जो आदि जुगादि से इसी प्रकार अटल है गुर के शब्दी परमप उपागे सूर्ति मूर्ति आदि अनुपो नानको जाचे स्वरूप। तनासरी मैला पहला सहजी मिले मिलिया परवानो ना तिस मरनो ना आमनो जानो ठाकुरमय दास दास में सोई जे देखा अवर न कोई गुरमुख भगती सहज करो पाइये बिन गुरु पेटे मरी आइए जाइए जो मनुष्य गुरु के द्वारा स्थित प्रयग्ञ होकर के प्रभु चरणों में जगह लेता है उसका प्रभु हरि चरणों में जगह पाना प्रमाणिक है उस मनुष्य को ना तो आत्मिक मृत्यु भोगनी पड़ती है और ना जन्म मरण का चक्कर ऐसा प्रभु का सेवक प्रभु हरि में लीन रहता है प्रभु ऐसे सेवक के भीतर प्रकट हो जाता है वह सेवक जित देखता है उसे परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं देखता ठाकुर दास में ही दासु ही सोई जहां देखा था अवर न कोई गुरु का शरणागत होकर के उस प्रभु की भक्ति करने से वह आत्मिक ठिकाना मिल जाता है जहां मन स्थिर होकर के जगा पा लेता है लेकिन गुरु से मिले बिना जीव जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है गुरुमुख पगति सहज करू पाइए बिन पेटे मरी आइए जाइ सौ गुरु करूं जिस साचू हूं अकथु कथावे शब्दी मिलावे हरि के लोग अवर नहीं साचु साचु प्यार। मैं वही गुरु स्वीकार करना चाहता हूँ जो सत्य स्वरूप प्रभु हरि को हृदय में भली प्रकार दर्शा दे जो मुझसे अकथ्य प्रभु हरी की गुण स्तुति कराए और अपने शब्द के द्वारा मुझे प्रभु चरणों में मिलाए प्रभु के भक्त को दूसरा धंधा नहीं सूझता भक्त सत्य स्वरूप प्रभु हरि को समरण करता है सत्य स्वरूप प्रभु हरि ही उसे प्यारा लगता है के लोग अवर नहीं कारा साचू ठाकरु साचू प्यारा तन में मनवा मन में साचा सो साचा मिली साचे राचा सेवकु प्रभ के लागे पाई सत गुरुपुरा मिले मिलाई आप ही दिखावे नाब पेखे कड़ी पाड़े जिन अमृत पाया प्रेम भक्ति प्रभ मन पति आया जिस मनुष्य को पूर्ण गुरु मिलता है गुरु उसे प्रभु हरी चरणों में मिला देता है वह सेवक प्रभु के चरणों में मिला रहता है उसका मन शीर के भीतर ही रहता है अर्थात निर्लिप्त रहता है उसके भीतर सत्य स्वरूप प्रभु हरि प्रकट हो जाते हैं वह सत्य स्वरूप प्रभु को स्मरण करके उसमें लीन हो करके उसकी स्मृतियों में खोया रहता है शिवक प्रभ के लागे पाई सतगुर पूरा मिले मलाई परमात्मा अपना दर्शन आप ही कराता है आप ही सब जीवों के मन की बात जानता है इसलिए वह हठार्थ कर्मों के प्रति विश्वस्त नहीं होता और ना ही बहुत से विषयों पर प्रसन्न होता है जिस प्रभु ने शीर बनाए हैं और जिसके द्वारा नाम अमृत पाया है उसी प्रभु हरि ने उसका मन प्रेमा भक्ति में लगाया कड़ी पांडे जिन्नी अमृत पाया प्रेम भक्ति प्रभु मनु पते आया पड़ी पड़ी पुली चोटा खाई बहुत सियानव आमी जामी नामो जपे गुरु मुख गुरमुखी सेवक रहे समय जो मनुष्य विद्या पढ़ पढ़ करके अहंकार वश समरण से विलग हो जाते हैं जो परमात्मा हरि का नाम नहीं लेते हैं वे आत्मिक मृत्यु की चोटे सहते हैं चतुराई के कारण जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं जो जो मनुष्य प्रभु हरि का नाम समरण करता है प्रभु हरि के भय तथा सम्मान को अपनी आत्मा की खुराक बनाता है। वे सदा गुरु की शरण लेकर के, वे सदा गुरु की शरण लेकर के प्रभु हरि में लीन रहता है। नाम जपो जपज नुखाई गुरुमुखी सेवक रे समय पूजी शिला तीर्थ वनवासा परमत टोलत बे उदासा मनी मेले सुच्चा को होई साची मिले पावे पति सोई जो मनुष्य पत्थर पूजता रहा तीर्थ पर स्नान करता रहा जंगलों में भटकता रहा त्यागी बन करके जगह जगह विचरण करता फिरा यदि उसका मन फिर भी मेला ही रहा तो उसे पवित्रता कहाँ मिलेगी जो मनुष्य सत्य स्वरूप प्रभु हरि में लीन होता है वही लोक परलोक में प्रतिष्ठा पाता है। परमत डोलत पय उदासा मनी मैले सुच्चा को होई साची मिले पावे पति सोई आचारा विचारु शरीरी आदि जुगादि सहजी मन को तीरी पल पंकज मई कोटि उदारे करी कृपा गुरु मेली प्यारे हे प्यारे प्रभु कृपया मुझे वह गुरु सिख मिला दो जो एक निमश में करोड़ों व्यक्तियों को पार कर देता है जिसका मन सदैव स्थिर रहता है जो गंभीर एवं सदाचारी है और जिसके पास आत्मिक सूझ भी है पर पंकज मई कोटि उदारे करी कृपा गुरु मेली प्यारे किसु आगे प्रभु तुद्दो सलाई तुद्दो बिन दूजा मैं कु नाई जियो तुद्दो पावे त्यो रखूं रजाई नानक साह पाई कुन पाए हे नानक जी प्रभु द्वार पर यों प्रार्थना करो कि हे प्रभु जी हे प्रभु हरि जी मैं किस व्यक्ति के समक्ष तुम्हारी गुण स्तुति करूं मुझे तो तुम्हारे बिना दूसरा कोई दिखता ही नहीं है जैसे तुम्हारी इच्छा हो मुझे अपनी रजा में रखो ताकि तुम्हारा दास स्थिर आत्मिक स्थिति और तुम्हारे प्रेम में लीन होकर के तुम्हारा गुणगान करता रहे ਤੁਦੋ ਬਿਨ ਦੁਜਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਤੁਦੋ ਪਾਵੇ ਤੇਉ ਦਾ ਖੇਰ ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੀ ਭਾਈ ਤੁੰਕਾਈ